स्वागत है आपका जी क्लासेस में मैं विजय फिर आपके साथ बायोलॉजी का डीजे बजाने के लिए तैयार चलिए मिलकर बायोलॉजी को आसान बनाते हैं बच्चों पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स प्यूबर्टी और टेस्टोस्टिरोन और एस्ट्रोजन प्यूबर्टी के टाइम पर रिलीज होते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करते हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं और इस तरीके से वो एक रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को इनिशिएट करते हैं आज हम शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉरवोर्ड एग्जाम जैसे कि बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया कि वी हैव टू डिवाइड ईच एंड एवरी चैप्टर इन डिफरेंट सेक्शंस अब इस पूरे चैप्टर को ही अगर हम डिवाइड करें तो पहला सेक्शन है आपका ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जिसमें आपका एक नंबर दो नंबर तीन नंबर मतलब किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन बन सकता है इसी तरीके से फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स उसमें किसी वैरायटी का क्वेश्चन बन सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन जिसे आज हम शुरू कर रहे हैं मतलब पिछली वीडियो में हमने शुरू कर दिया था आज हम उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देन वी हैव द फर्टिलाइजेशन एंड ऑल डेवलपमेंट प्रोसेस रिलेटेड टू ह्यूमन एंड देन लास्ट वी हैव रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो इन सभी में किसी भी कैटेगरी के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं तो उसी तरीके से हमें अपने आप को तैयार भी करना तो शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं फर्स्ट इज मेन और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकेंड इज बल्कि इसको हम ऑर्गन्स लिखें दैट इज मोर बेटर और सेकेंड इज सेकेंडरी और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अब इनको ये नाम क्यों दिया गया है ये भी मैंने आपको बताया था कि मेन का मतलब है ऑर्गन्स

ट मींस फैलोपियन ट्यूब और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सिस्टम तो इस तरीके से इन दो पार्टस में हम डिवाइड कर सकते हैं अब यहां पर जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट ऑर्गन इज टेस्टीज टेस्टीज Is plural, और अगर हम टी ई एस टी आई एस लिखते हैं सो दिंगर तो इस तरीके से ये डिफरेंस ध्यान रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है केवल आई और ई का डिफरेंस है जो आपको दिमाग में रखना है इफ देर इज आई तो ये समझ लीजिए कि प्लूरल की बात हो रही है इफ देयर इज आई इन द स्पेलिंग सो दट विल

Testes, so again, you can see the single testes is showing here, and <coughs> this testes is cap. Testes is or are cap in. Muscular sac like structure, and these muscular sac like structures are nothing but this scrotum or scrotal sac, and these testes are extra. एबडोमिनल ये इनकी आपकी लोकेशन हो गई बिटवीन थाइज बिटवीन द रीजन जिसे हम ग्रोइंग रीजन बोलते हैं जी आर ओ आई एन बिटवीन द रीजन ऑफ थाइज तो बच्चों मेरा कहने का मतलब क्या है देखिए पेट स्टमक जो होता है उसका जो लोअर पोर्शन होता है दैट इज नेम्ड एज एपडमन लोअर पोर्शन ऑफ स्टमक इज नेम्ड एज एपडमन उस एपडमन से भी नीचे की तरफ दोनों थाइस के बीच का एरिया ग्रोइंग एरिया कहलाता है और उस ग्रोइंग एरिया में ये थैली जैसे पाउचेस होते हैं और इन पाउचेस में 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 इन में, इन सैक प्रेजेंस ऑफ़ टेस्टीज़ अब यहां पर इसका खास मकसद है ये स्क्रॉटल का फंक्शन क्या है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम द फंक्शन ऑफ स्क्रॉटल इज टू रेगुलेट टेम्परेचर टू 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 पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर इज थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस तो ये टेम्परेचर को दो से ढाई डिग्री मेंटेन करता है यानी कि लगभग थर्टी फाइव से थर्टी फोर पॉइंट फाइव इस आसपास इसके टेम्परेचर रहता है और इस टेम्परेचर का फायदा यह है कि दैट इज हेल्पफुल फॉर स्परमेटोजेनेसिस प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ स्पम्स स्पर्मेटो मीन्स स्पम्स एंड जेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन तो इनकी प्रोडक्शन के लिए स्पम्स की प्रोडक्शन के लिए दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड तो आपने देखा हमने दो चीजें अभी तक डिस्कस की पहला टेस्टीजीज टेस्टीज की लोकेशन लोकेशन क्या है टेस्टीज की देर आर अ पेयर ऑफ टेस्टीज ह्यूमन के अंदर एक जोड़ा होता है टेस्टीज का यानी कि दो टेस्टीज होते हैं ये टेस्टीज शरीर से बाहर दोनों थाइस के बीच में ग्रोइन एरिया में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं पेट के निचले हिस्से से नीचे की तरफ और ये दो पाउचेज में कैप्ट होते हैं रखे हुए होते हैं दीज पाउचेस आर मस्कुलर इनके मस्कुलर मूवमेंट से यानी कि इनकी मसल्स फैलती हैं और सिकुड़ती हैं जब ये फैलती हैं तो उसका मतलब गर्मियां है सॉरी गर्मियों के अंदर ये मसल्स फैलती हैं और फैलने की वजह से शरीर से दूर ले जाती हैं टेस्टीज को ताकि दो से ढाई डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रहे इसी तरीके से सर्दियों के अंदर ये शरीर के क्लोजर ले आते हैं टेस्टीज को ताकि दो से ढाई डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन रहे मेन काम है इनका दो से ढाई डिग्री यानी कि टू 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 पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर को लोअर टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करना और स्पम्प प्रोडक्शन को लगातार बनाए रखना और दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड सो दिस इज द फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैं इसी को आपको क्यू कोड से शेयर कर रहा हूं

ऐसा नहीं है कि ये मैंने अपनी पास से कुछ एक्सप्लेन किया है आपको आप ध्यान से देखेंगे तो दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी एज वेल देखिए ध्यान से आप ये आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है अब इसी के ऊपर फोकस करते हैं कि कहां दिया हुआ है साथ के साथ मैं आपको मार्क कराता चलूंगा ताकि आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शंस विच प्रोड्यूस द जर्म सेल तो ये पोर्शन हो गया आपका टेस्टीज तो ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया दूसरा ये कह रहे हैं एंड द अदर पोर्शन डिलीवर द स्पम्स टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नथिंग बट फेलोपियन ट्यूब जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है तो ये यहां से तो अभी इस टेस्टिस को छोड़कर और ये यूरेटर छोड़ दें आप और ये यूरिनरी ब्लैडर छोड़ दें इन सभी को छोड़ दें अगर आप इन तीन स्ट्रक्चर्स को जो जितने भी और डायग्राम के अंदर स्ट्रक्चर हैं वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे एसेसरी और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इनको पार्ट में डेवलप करना क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है आपका एम सी क्यू के लिए दैट इज वेरी फेवरेट फॉर एमसी क्यू तो इसलिए आपको उसको ध्यान में रखना होगा <laughs> देखिए जी नेक्स्ट बात करते हैं अब नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ जर्न सेल्स और स्पम्स टेक्स प्लेस इन टेस्टिस दैट इज द मेन जॉब ऑफ टेस्टीज यही टेस्टीज का काम है उसके बाद देखिए ये लोकेशन आ गई टेस्टीज आर लोकेटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रॉटम देखिए उसका रीजन दे रहे हैं बिकॉज फॉर्मेशन रिक्वायर्स आर लोअर टेम्परेचर लोअर में मैंने आपको बताया था टू पॉइंट टू 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 पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस देन द बॉडी टेम्परेचर अ बॉडी टेम्परेचर दैट इज थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस एंड दैट इज फॉर द प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ स्पम्प यहां पर ये और एड करना है फॉर प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ स्पम्स स्पम्प्स की प्रोडक्शन करने के लिए ये स्पेशल चेंज हमारे शरीर में मेल्स के शरीर में पाया जाता है तो हमने बच्चों अभी तक समझा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं उसके बाद हमने समझा कि कौन जनरेट करता है टेस्टीज जनरेट करते हैं टेस्टीज का एक पेयर होता है उसकी स्पेलिंग में डिफरेंस समझा हमने ई एस ई एस इज द प्लूरल एंड ई एस टी आई एस इज द सिंगुलर और उसके बाद हमने ये समझा कि किस तरीके से स्क्रॉटम में इनकी प्रेजेंस इस बात को कंप्लीट करती है यह हमारे लिए जरूरी चीज है क्योंकि यह दो से ढाई डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर जो कि थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस से उससे कम रखते हैं ताकि प्रॉपर स्पम प्रोडक्शन हो सके इसके अलावा अलावाज आल्सो रिलीज टेस्टोस्टिरोन दैट इज द चैप्टर लास्ट चैप्टर मैंने आपको इसके दोनों फंक्शन लिखवाए थे फिर मैं आपको इसको बता रहा हूं देखिये आपकी बुक में भी दिया हुआ है जिसको आपको माफ करना है इन एडिशन टू रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पम्स देखो एक तो स्पम्स की फॉर्मेशन को यह रेगुलेट करता ही है दूसरा फंक्शन है इसका testosterone brings changes in appearance seen in boys at the time of puberty to iske do function ho gaye pehla function sperm's production ko maintain karna us production ko regulate karna usko control karna dusra तो ये यानी कि spermatogenesis को control करना, करना, करना।, तो करना और second हो गया आपका to control secondary sexual characters। बाउट वॉट टेस्टीज एंड फिर मैं इसको क्यू आर कोड के साथ शेयर कर रहा हूं आप इसको मार्क करें इनको लिखें एक एक चीज को समझें जितना लिखेंगे उतना आपके लिए आगे का रास्ता आसान होगा क्योंकि ये नोट्स आपके दो फायदे कर रहे हैं फ्यूचर के लिए आपकी सारी नोटेशन नोट करके आपके पास रखी हुई है और साथ के साथ इससे रिवीजन हो रहा है टॉपिक का जितनी बार पढ़ेंगे लिखेंगे उतनी बार आपके लिए बेहतर होगा आई थिंक दैट इज एनअ टाइम चलिए आगे चलते हैं अब अगले पार्ट्स को समझते हैं अब फिर डायग्राम के ऊपर फोकस करते हैं अभी ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा कभी डायग्राम कभी टेक्स्ट क्योंकि दोनों ही चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी चलिए शुरू करते हैं अब आगे का हिस्सा हमने पढ़ा टेस्टीज और स्क्रॉटम के बारे में अब हम उससे आगे के हिस्से को करते हैं देखिए अब ध्यान से देखेंगे तो टेस्टीज ये पूरा टेस्टीज है इसके ऊपर आप ये टोपी जैसी स्ट्रक्चर देख रहे हैं आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इस पूरी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए सो दैट इज एपी डाइडिमस क्या बोलते हैं इसको हम एपीडाइडिमस ये मार्किंग बुक में नहीं दे रखी है अक्सर आता भी नहीं है लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा ज्यादा पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है ये बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करवाएगा सो दट आ लाइक स्ट्रक्चर दिस कैप लाइक स्ट्रक्चर हैज अ स्पेशल फंक्शन टू स्टोर एंड मेच्योर स्पम्प्स इसका काम है स्पम्प्स को मैच्योर करना उनको स्टोर करना टेम्परली जब जरूरत होती है ये यहां से ही रिलीज कर दिए जाते हैं सो दट इज द एपीडाइडिमस जस्ट अबॉवीच ईच टेस्टिस तो इसकी लोकेशन क्या हो गई जस्ट अबॉव एंड दैट्स आ कैपलाइक स्ट्रक्चर कैपलाइक स्ट्रक्चर तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट पोर्शन जो टेस्टीज के जस्ट ऊपर है टोपी जैसे रखा हुआ है और इसका काम है स्पम्प्स को स्टोर करना मेच्योर करना तो दैट इज अनादर इंपॉर्टेंट सेक्शन फिर मैं क्यू आर कोड के साथ शेयर कर रहा हूं बच्चों ये इसलिए कर रहा हूं ताकि आप साथ के साथ नोट्स बना सकें दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए जड़ खोदना बहुत जरूरी है जितना ज्यादा आप डीप स्टडी करेंगे उतना उसके क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से आंसर दे पाएंगे और ये सब्जेक्ट को भी आपके लिए आसान बनाता है आई थिंक इट इज to नेक्स्ट अब आगे की तरफ चलते हैं और अगले पार्ट को फोकस करते हैं अब आप फिर देख रहे हैं इससे अगला पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है वास डिफरेंस अब आप देखेंगे एट द बेस ऑफ एट द बेस ऑफ एपीडाइडिमस ट्यूब एराइज देखिए बिल्कुल बेस से एक ट्यूब निकल रही है और इसी ट्यूब का नाम क्या है वास डिफरेंस इसको हम स्पम डक्ट भी नाम दे सकते हैं अनादर नेम वी कैन पोटेट स्पम डक्ट अब ये तो हो गई इसकी लोकेशन भाई चीजें क्या पूछी जाती हैं लोकेशन स्ट्रक्चर फंक्शन लोकेशन की बात करें तो जस्ट एट द बेस ऑफ एपिडाइडिमस एट द टॉप ऑफ स्मॉल ट्यूब अराइज दैट इज नेम्ड एज और अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछ ली सो दैट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज अफ अब इसका काम फंक्शन की बात करते हैं फंक्शन इज टू कैरी स्प यूरेथ्रा 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 तक स्प को पहुंचाना ये इसकी जिम्मेदारी है एक एक तरीके से कनेक्शन पाइप हो गया यूरेथ्रा जो पेनिस के अंदर ट्यूब होती है उसके बीच में और किसके बीच में एपिडाइडिमस के बीच में और एपिडाइडिमस क्या है टेस्टीज के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर फिर मैं इसको क्यू आर कोड के साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि बेटा सब कुछ मिलता है लेकिन सब्जेक्ट नहीं मिलता और सब्जेक्ट मिलता है मेंटोर जी पर तो इसी चीज का आपको ध्यान देना है कि हमें गहराई में पढ़ना तो बच्चों इसको नोट करिए ताकि फ्यूचर के लिए आप इसको आसानी से सॉल्व कर सके आई थिंक दिस इज एनफ डील with दिस लेट्स मूव टू नेक्स्ट आगे चलते हैं आप बच्चों वास्ट डिफरेंस अब आप देख रहे हैं ये यहां से घूमता हुआ ऊपर की तरफ पहुंच रहा है तो उसी चीज को हम नोटिस करेंगे देखिए यह वास्ट डिफरेंस यहां से ये पहुंचता हुआ ये इसने कॉइल किया कॉइल करने के बाद अब ये आ गया सेमिनल वेसिकल के साथ अब आप, आप देख रहे हैं जुड़ रहा है उसके बाद ये प्रोस्ट्रेट ग्लैंड के साथ जुड़ रहा है और उसके बाद ये एक और आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जस्ट बिलो प्रॉस्ट्रेट ग्लैंड एंड दैट इज नेम्ड एज कॉपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथरल आप बच्चों आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा व्हाट आर दीज ये तीनों क्या है दीज आर मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स एंड दीज आर थ्री फर्स्ट इज सेमिनल वेसिकिल दैट इज ऑफ वन पेयर ये एक पेयर है सेकेंड इज प्रोस्ट्रेट ग्लैंड दैट इज वन सिंगल ये एक ही होती है एंड थर्ड इज कॉपर्स ग्लैंड और बर्बो बल्बो यूथरेथरल दैट इज आल्सो ऑफ वन पेयर तो ये तीनों को हम क्या नाम देते हैं दीज आर मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड इनको हम मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कहते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया ये तो हो गई इनकी पोजीशन तीनों के डायग्राम में आपने देख लिया अब नेक्स्ट पॉइंट सिक्रीशन ऑफ ऑल दीज थ्री मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड उस सिक्रीशन को हम नाम देते हैं सेमिनल प्लाज्मा इन तीनों का सिक्रीशन क्या कहलाता है सेमिनल प्लाज्मा जो ये अपने अपने सिक्रीशंस रिलीज करते हैं उन तीनों को के सिक्रीशंस को मिलाकर जो टोटल लिक्विड तैयार होता है उसको कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा अब ये सेमिनल प्लाज्मा जब स्पम्स के साथ एड हो जाता है स्पम्स इस इसके अंदर जुड़ जाते हैं तो इसको हम नाम देते हैं सीमन दैट इज द लिक्विड दैट कम्स आउट ड्यूरिंग एजैकुलेशन आफ्टर कॉपुलेशन कॉपुलेशन और एक्ट ऑफ मेटिंग और इंटरकोर्स के दौरान मेल अपने पेनिस से जो लिक्विड रिलीज करता है फीमेल की वेजाइना में दैट इज सीमन सीमन एंड दिस इज मेड अप ऑफ स्प एंड दिस सेमिनल प्लाज्मा एंड दिस सेमिनल प्लाज्मा इज नथिंग बट द सिक्रीशंस ऑफ ऑल दीज थ्री मेल एसेसरी ग्लैंड अब बात आती है इनके फंक्शन की तो सेमिनल प्लाज्मा का फंक्शन और ये दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है दैट इज आल्सो फंक्शन ऑफ ऑल थ्री मेल एसेसरी ग्लैंड एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स ये दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है या सेमिनल प्लाज्मा का क्या फंक्शन है तो पहला फंक्शन है टू मेक द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पम ऑफ स्पम इजी ताकि वो आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके बिल्कुल इजी फ्लो सेकंड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन खाना पीना प्रोवाइड करना न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म्स डेवलपिंग स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना ये एक ऐसा क्वेश्चन है जितने भी मैं डिस्कस कर रहा हूं बेटा यही मिलेंगे एग्जाम में आई एम श्योर दिस इज दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट लैंग्वेज क्वेश्चन पूछने का अंदाज डिफरेंट हो सकता है वो आपको पहचानना है लेकिन आएंगे यही इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा आई एम श्योर आप किसी भी एग्जाम की बात कर लेना मोस्ट कॉमन क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक वी आर डिस्कसिंग नाउ दैट्स ऑल यही पूछे जाएंगे आपसे और यही पूछे जा चुके हैं और यही आगे पूछे जाएंगे यही क्वेश्चन हैं अगेन आई एम शेयरिंग दिस एंड यू मस्ट राइट ऑल दीज क्योंकि अभी तक हमने दो लेबलिंग भी नहीं पढ़ी है इसमें और एपिडाइडिमस जो आपकी बुक में गिविन नहीं है लेकिन देखिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब यही है कि वाट यू आर एनालाइजिंग लिटिल बिट एक्स्ट्रा फ्लेवर देन द बुक प्रेस्क्राइब लिटिल बिट चांसेस ना के बराबर है रेयर है लेकिन फिर भी मैं उतना ही आपको आगे बढ़ा रहा हूं जितना आपके दायरे में दैट इज विसिनिटी थोड़ा हमें जोखिम लेना पड़ता है अब आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे शॉट्स ऐसे होते हैं जो देखकर हमें लगता है कि उम्मीद नहीं है तो उन पर आर भी होता है और पार भी होता है तो दोनों चीजें तो रिस्क इज द सेकेंडरी थिंग ऑफ द लाइफ लेना पड़ता है बच्चों तो दैट इज आई थिंक यू हैव दिस आपने इसको कर लिया होगा अब आगे बढ़ते हैं हम अब टेक्स्ट को देखते हैं यही चीज आपको टेक्स्ट में भी दी गई यही चीज आपको आपकी बुक में भी दी गई है मैंने कुछ नया नहीं किया है इसमें उसको आपके लिए आसान किया है अब उसी चीज को मैं आपके लिए आगे बढ़ रहा हूं देखिए जी बुक में कहा है मैं आपको माफ करा रहा हूं क्योंकि यही हमारी माता है यही पिता है सीबीएसई बोर्ड के लिए सब कुछ यही है देखिए स्पम्स फॉर्म आर डिलीवर्ड थ्रू वास डिफरेंस अब ये देखिए उससे पहले ये बात करेंगे यहां पर आप देखिए ये रहा ये डिस्कस कर चुके हैं हम ऑल द पाथ ऑफ वास डिफरेंस ग्लैंड्स लाइक प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल एड देशंस टू द स्पम्स अब ये secretions क्या है ये वही है जो आपसे कहा था मैंने सेमिनल प्लाज्मा नाम नहीं खोला है नाम हमने खोल दिया कोई अपराध तो नहीं है इसमें इसका हमने एग्जैक्ट नाम दे दिया सो दैट इज नॉट बिग मिस्टेक आर नाउ इन ए फ्लूड विच मेक्स आप देखिए यहां पर ये इसके आपको बता रहे हैं फंक्शन मेक्स देयर ट्रांसपोर्ट इजियर पहला फंक्शन जो आपसे मैंने लिखाया था और दूसरा दिस फ्लूड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन देखिए उन्होंने चार लाइन में खत्म कर दिया अब मेरा फर्ज है कि इन चार की और एक्सप्लेन करके आप तक पहुंचा ये टीचर का काम है ये जॉब मैं आपके लिए कर रहा हूं सो इट इज क्लियर सो दैट इज द लोकेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल प्रोस्ट्रेट ग्लैंड एज वेल एज द बल्बो यूरेथरल इनके ये तीन ग्लैंड हो गई तीन ग्लैंड्स के सिक्रीशन को हमने नाम दिया सेमिनल प्लाज्मा जब ये सेमिनल प्लाज्मा स्पम्प्स के साथ जुड़ता है तो उसे हम कहते हैं सीमन और ये सेमिनल प्लाज्मा या सेमिनल वेसिकल प्रोस्ट्रेट ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ये अपने सिक्रीशंस जब एड करती हैं तो ये सिक्रीशंस क्या फायदा देते हैं ये स्पम्स के ट्रांसपोर्ट को इजी कर देते हैं और साथ के साथ उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं सो दैट इज द मेन जॉब ऑफ दीज थ्री मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड सो दैट इज अगेन यू मस्ट स्कैन दिस दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर यूज ये, ये ही एग्जाम में क्वेश्चंस बन बन कर आते हैं स्कैन कीजिए बच्चों इसको लिखिए अच्छे तरीके से मैं दोनों तरीके से पैरल आपको समझा रहा हूं डायग्राम एज वेल एज द टेक्स्ट अब नेक्स्ट फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं आई थिंक दिस इज देखिए फिर डायग्राम की तरफ आते हैं अब ध्यान से देखिए आप ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और पता नहीं क्यों मुझे इस बार इसकी बड़ी उम्मीद लग रही है कि आपको ये किसी डायग्राम फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा लग रहा है इस साल के लिए अब देखिए ध्यान से ये एक वर्ड आप यूज देख रहे हैं वास डिफरेंस अब इस डिफरेंस का मैंने फंक्शन आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं टू तो कैरी स्पम्स फ्रॉम एपिडाइडिमस और फ्रॉम टेस्टीज टू पेनिस पार्ट ऑफ ट्यूब नेम्ड इन यूरेथ्रा अब ध्यान से देखिए यह है आपका ब्लैडर ब्लैडर मतलब यूरिनरी ब्लैडर जो हमने चैप्टर फाइव में पढ़ा था जिसमें यूरीन स्टोर होता है तो यहां पर यूरिन स्टोर हो गया आप देखिए यहां से छोटी सी ट्यूब निकल रही है सो बेसिकली दिस इज दार्ट ऑफ यूरेथ्रा कम्स आउट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर ये यूरिनरी ब्लैडर से छोटा सा हिस्सा बाहर आ रहा है अब आप यहां ध्यान से देखिए ये इधर आकर कनेक्ट हो रहा है प्रोस्ट्रेट ग्लैंड में और उधर से वास डिफरेंस आ रही है सो दट इज दार्ट ऑफ वास डिफरेंस और ये दोनों आकर यहां कॉपर्स ग्लैंड के साथ ज्वाइन होकर एक कॉमन ट्यूब बना रहे हैं जो आगे यूरेथरा कहला रहे है। तो कहने का मतलब क्या हुआ ये आप देख रहे हैं ये एक ट्यूब आई ऊपर से फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर और इसी तरीके से ये एक ट्यूब इधर से आई वास डिफरेंस से फ्रॉम वास डिफरेंस अब आप देख रहे हैं ये दोनों मिलकर जस्ट प्रोस्ट्रेट के अंदर से होती हुई ये एक ट्यूब कॉमन ट्यूब बना रहे हैं इसको मैं थोड़ा सा व्हाइट से दिखाता हूं सो दैट विल लुक्स वेरी क्लियर अब आप देख रहे हैं दोनों मिलके दैट्स अ कॉमन ट्यूब और ये कॉमन ट्यूब किसके लिए फॉर स्प एंड यूरिन ये दोनों के लिए कॉमन ट्यूब की तरह वर्क कर रही है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो बोर्ड में आपसे पूछा जा सकता है समझ गए बच्चों मैं फिर आपको मेंशन कर रहा हूं दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन यूरिनरी ब्लैडर के बेस से एक छोटी सी ट्यूब बाहर आती है जिसे आप यूरेटर का सॉरी यूरेथरा का एक हिस्सा कह सकते हैं उधर से वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल से होती हुई के पास से होती हुई प्रोस्टेट ग्लैंड के पीछे की तरफ या अंदर की तरफ आप देखेंगे तो उसका एक हिस्सा आकर इससे जुड़ता है वास्ट डिफरेंस का एक हिस्सा जुड़ता है आपका किससे यूरिनरी ब्लैडर से निकले हुए यूरेथरा के हिस्से से और वो मिलकर एक कॉमन ट्यूब बना देते हैं और ये कॉमन ट्यूब आकर कहां खुल जाती है ये यूरेथरा में खुल जाती है और इसीलिए मेल के अंदर जो यूरेथरा है ये कॉमन पैसेज है स्पम्स और यूरिन दोनों को डिलीवर करने के लिए एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन फीमेल एंड मेल फीमेल के अंदर यूरेथरा केवल यूरीन पास करती है लेकिन मेल के अंदर यूरेथरा यूरीन और स्प्स दोनों को पास करती है फीमेल में जेनाइटल ओपनिंग डिफरेंट होती है जिसको हम वेजाइना के नाम से जानते हैं सो दट इज अनादर वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन एग्जाम एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये एग्जाम में बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है और इनका ही नया नाम रख दिया गया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और इसीलिए मैं आपकी हर टॉपिक के साथ समझ डेवलप कर रहा हूं मैं आपको याद करने पर मजबूर नहीं कर रहा मैं आपको समझने पर मजबूर कर रहा हूं मैं आपके साथ कोशिश कर रहा हूं कि आपकी समझ आसान बने टॉपिक के साथ सो डील विद दिस क्यू आर कोड जनरेट दिस एंड यूज फॉर नोट्स टू प्रिपेयर नोट्स ताकि आप बेहतर ढंग से लिख पाए ओके फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट अब आगे चलते हैं अब यही चीज मैं आपको आपकी बुक में मार्क कराता हूं देखिए जी बुक में भी यही सेम चीज आपको डिस्कस की गई है ये मार्क की गई है तो हम उसको हाईलाइट करते हैं देखिए जी स्पम्स सॉरी दूसरा पेन ले लेते हैं स्पम्स फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डिफरेंस विच यूनाइट विद अ ट्यूब कमिंग आउट फॉर फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर जो अभी मैंने आपको बताया उसके बाद द अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्प एंड यूरिन और ये बन गया एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अब ये डायग्राम दे दिया उसको बता दिया आपको कुछ अब आप देखो पूछने का स्टाइल पेपर सेटर के ऊपर डिपेंड करता है हम सारे एंगल से उसको देखते हैं। अब जैसे कि कोई रन आउट होता है और बहुत क्लोज रनआउट है तो थर्ड एम्पायर 360 डिग्री के एंगल से देखता है ना कभी लेटरल साइड से देखता है कभी फ्रंट से देखता है कभी बैक से देखता है तो वो दिया ही गया उसका काम क्या है तो इसी तरीके से ये मेरा काम है कि हर साइड से आपको टॉपिक को आसान करना ताकि आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकें और उसको आगे ले जा सके तो हमने ये भी पढ़ लिया कॉमन ट्यूब का काम किया उसके बाद जो अभी इससे पहले डिस्कस किया था डिफरेंट मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड अब हम लास्ट के पोर्शन पर आते हैं एंड दैट लास्ट पोर्शन इज नथिंग बट अबाउट द स्पम्स अब देखिए स्पम्स आर tiny bodies tiny का मतलब है microscopic ये एक और दूसरा वर्ड है microscopic के अलावा आप यूज कर सकते हैं tiny that consist of mainly the genetic material तो अब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्पर्म्स के कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स क्या हैं भाई एक तो हो गया जेनेटिक मटेरियल दूसरा हो गया जी आपका लॉन्ग टेल और टेल का, का काम क्या है दैट हेल्प्स देम टू मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल और ये फीमेल जर्म सेल क्या है एग अब बात आ रही है बार बार किसकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन स्पम के लिए कैसे जरूरी है लेट्स फोकस ऑन दैट तब उसके ऊपर बात करते हैं चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसका डायग्राम किस तरीके का होता है देखिए स्पम दैट इज द मेल जर्म सेल सो दिस मेल जर्म सेल इज नथिंग बट द स्प अब इसके डायग्राम के ऊपर फोकस करते हैं बच्चों सो so, इसके डायग्राम को हम देखेंगे तो इसके तीन हिस्से होते ये एक बनाया मैंने पहला हेड अब इसका दूसरा हिस्सा बना रहा हूं मैं दट इज दिडिल पार्ट एंड देन एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड पोर्शन दिस इज दी तो ये तीन स्ट्रक्चर से मिलकर अलग अलग कलर मैंने इसलिए लिए हैं ताकि आपको इनको पहचानना आसान हो जाए हेड दिस इज द मिडिल पीस अगेन बनाने के आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि बुक के अंदर नहीं है लेकिन हाथ डायग्राम बना हुआ हो सकता है और इसके ऊपर भैया क्वेश्चन पूछ ले आपसे जलवा हो गया नया जिसे हमने एक नाम दिया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एंड दिस इज दिन ठीक है जी अब ये तीन हिस्सों में अलग अलग क्या क्या काम है लेट्स मूव टू नेक्स्ट अब ये सबसे ऊपर वाला जो आप टिप पोर्शन देख रहे हैं दिस टिप पोर्शन इज एक्रोसोम टू पैनी टू पेनी ट्रेट वॉल एग की जो सेल वॉल मतलब की चारों तरफ की बाउंड्री है उसको डिजॉल्व करने का काम थ्रू एंजाइम्स तो ये पेनिट्रेट भी करता है और एंजाइम से डिजोल्व भी करता है नेक्स्ट है जी भैया आपका सेकेंड एंड दैट इज मिडिल पीस और ये मिडिल पीस में होता है स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया दैट प्रोवाइड एनर्जी ट्रू मूव मूवमेंट के लिए ये एनर्जी प्रोवाइड करता है अब यहां पर फिर बड़ा इंपॉर्टेंट हेड के अंदर एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं दैट इज न्यूक्लियस और न्यूक्लियस दैट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल अब यहां पर ये जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है जेनेटिक मटेरियल जो है ये दिस जेनेटिक मटेरियल आप जानते हैं 46 और इन फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम्स में बाईस पेयर्स यानी कि चवालीस क्रोमोसोम तो मेल और फीमेल में ऑलमोस्ट सेम होते हैं और जो लास्ट पेयर है यानी कि ट्वेंटी थ्री पेयर उसके बेसिस पर मेल और फीमेल डिफरेंट होता है अगर ये एक्स वाई है तो मेल है एक्स एक्स है तो फीमेल है तो यहां पर जेनेटिक मटेरियल इसके पास क्या होगा या तो एक्स या वाई तो टोटल इस जेनेटिक मटेरियल में ये मैंने एक जनरल बात बताई है जेनेटिक मटेरियल स्पम्प्स में केवल तेईस क्रोमोसोम होंगे और उस तेईस क्रोमोसोम में बाईस तो हो गए ऑटोसोम्स बाईस पेयर्स में से केवल बाईस और एक हो गया एक्स और वाई या तो एक्स होगा और या वाई होगा कोई भी एक तो इस तरीके से तेईस क्रोमोसोम हुए बाईस ऑटोसोम्स और एक एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम टोटल ट्वेंटी सिक्स फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम एज ए होल मैं आपको वैसे बता रहा हूं जो हर सेल के अंदर पाए जाते हैं और टेल का तो आप काम समझ सकते हैं फॉर मूवमेंट फॉर मूवमेंट तो इस तरीके से बच्चों आप देख सकते हैं कि हमने इस पूरे सेक्शन को कंप्लीट किया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तो इस क्लास में मैं इतना ही रखूंगा इसमें मैंने आपको एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझाया है आप इसको अच्छे तरीके से नोट्स प्रिपेयर करें इस पर मेहनत करें और इसको लिखें बार बार समझें जो भी दिक्कत हो बार बार इस वीडियो को देखकर अपने डाउट्स को क्लियर करें अदरवाइज वन टू वन सेशन में भी आप मैंटोरजी पर आ सकते हैं किसी और तरीके के डाउट्स पर तो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्लास तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे और हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरीके से मेंटोर जी पर बने रहिए सब्जेक्ट को आसान बनाते रहिए और बायोलॉजी का डीजे वीजे के साथ बजाते रहिए